नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों जीएसटीएन पोर्टल पे दो नए फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। एक तो जीएसटीआर 2A को रिलेटेड है और दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। तो कौन से हैं ये नए फैसिलिटीज, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फायदा होगा आपका, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो इसे सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि क्या नए दो फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद जाना है आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे, और रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जीएसटी 2A का डेटा आप डाउनलोड करते हो और यहाँ पे कंपेरिजन देखते हो आपके ITC का। तो इन दो सेक्शन में दो नए फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं, हम उसको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी 2A में क्या नया फैसिलिटी है। तो जैसे हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि पहले तीन पार्ट थे, पार्ट ए जो कि B2B इनवॉइसेस और उसके अमेंडमेंट्स के बारे में बात करता है, पार्ट बी में ISD क्रेडिट्स और अमेंडमेंट्स के डेटा यहाँ पर आता था, और पार्ट सी में TDS क्रेडिट और उसके अमेंडमेंट्स का डेटा यहाँ पर शो होता था। अब आपको बताना चाहूंगा कि पार्ट डी, ये चौथा पार्ट नया यहाँ पर जीएसटी 2A सेक्शन में ऐड कर दिया गया है और ये नई फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पर दो फैसिलिटीज, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्रीज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ यूनिट्स एंड डेवलपर्स ऑन बिल ऑफ एंट्री, ये जो दो ऑप्शन है इन दोनों इम्पोर्ट्स का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर टेबल वाइज डाउनलोड करने के लिए शो हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि पहले जीएसटी 2A में इम्पोर्ट्स का डेटा नहीं दिखाई देता था, उसके वजह से बहुत सारे लोगों को इंपोर्ट्स पे जो रिफंड था वो लेने में दिक्कत आती थी। अब लेकिन ये फैसिलिटी अवेलेबल होने के वजह से आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपके इंपोर्ट्स का जो डेटा है वो यहाँ पर डायरेक्टली शो होगा और यहाँ पर SEZ यूनिट्स का भी जो आपका इंपोर्ट्स है वो यहाँ पर शो होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने ITC को क्लेम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस पर यहाँ पर क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा कि एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर अभी तो कोई रिकॉर्ड्स नहीं है मेरे अकाउंट में, लेकिन अगर आपके कोई इम्पोर्ट्स गुड्स के जो रिकॉर्ड्स है वो रहेंगे तो यहाँ पर वो शो होंगे और यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सेम थिंग इम्पोर्ट्स ऑफ गुड फ्रॉम SEZ यूनिट्स एंड डेवलपर्स ऑफ बिल ऑफ एंट्रीज के बारे में भी है। यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके कोई रिकॉर्ड्स होंगे तो यहाँ पर शो होंगे, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वजह से आपका ITC क्लेम करना बहुत आसान हो जाएगा। जो इम्पोर्ट्स है रिकंसिलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल कर दी गई है। अब जानते हैं दूसरे फैसिलिटी के बारे में। तो आपको बताना चाहूंगा कि कंपेरिजन ऑफ लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड ITC क्लेम का जो नेम है उसको चेंज कर दिया गया है, इसको यहाँ पर GSTR 3V1 ऐसा नाम दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर आप व्यू पे जाते हो तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है आपके लिए कि लाइबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट्स, लाइबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज, लाइबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड सेल्स सप्लाईज एंड इन ITC क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू, इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर ITC क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू पर अगर आप क्लिक करते हो तो पूरा कंपैरिजन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपके जितना भी ITC आपने क्लेम किया है या तो फिर आपका ITC क्लेम नहीं किया है, ये सारी चीजें यहाँ पर कंपैरिजन वाइज आपको मिलेगी देखने के लिए। CGST, SGST, GSTR 1, GSTR 3B को कंपैरिजन यहाँ पर आपको दिखेगा। इससे बहुत आसानी होगी आपको और आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट सही तरीके से क्लेम कर पाएंगे। और अगर आपको दिक्कत आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में तो GST हीरो सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो जिसके हेल्प से आप मैक्सिमम ITC क्लेम कर सकते हो। तो इसके डेमो के लिए हमें जरूर कॉन्टैक्ट करें और इसका डेमो लाइव वीडियो आपको देखना है तो आई बटन पर हमने वो वीडियो दे चुके हैं, तो आई बटन पर क्लिक करें आपको पूरा वीडियो देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये था अपडेट, दो नए फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं GSTN पोर्टल पे। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।